बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 12 जून को विपक्षी एकता की बैठक होनी है और इस बैठक को लेकर महागठबंधन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इस बैठक को कई पार्टियों ने समर्थन भी दिया है और इस पर राजनीति भी तेज है। भागलपुर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने इस पर प्रतिक्रिया दी। निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे नीतीश कुमार से अच्छे संबंध रहे हैं, बावजूद मैंने भविष्यवाणी की है कि 2024 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है और जिस आदमी का भविष्य नहीं है उसकी अगुवाई में बैठक होगी तो उसका क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक तेज हैं, अच्छे हैं, उन्हें केंद्र में नरेंद्र मोदी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मुझे चंद्रगुप्त मौर्य नजर आ रहा है, एक बैकवर्ड के खिलाफ दूसरे बैकवर्ड को खड़ा किया है और उसका फायदा कोई तीसरा आदमी ले लेगा। मुझे सभी के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे माननीय नीतीश कुमार जी हो, चाहे ममता जी। ममता जी जब मंत्री थी तो मैं सांसद था और मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मैंने भविष्यवाणी की है और फिर मैं कह रहा हूँ कि 2024 के बाद नीतीश कुमार जी थे ये पूरे देश में हो जाता है। 2024 के बाद माननीय नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य नहीं, और जिस आदमी का भविष्य नहीं है उसके नेतृत्व में यदि कोई बैठक हो रही हो तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बैठक का क्या मतलब। कि मुझे सभी के साथ काम करने का मौका मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में भारतीय व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति गर्म है। भाजपा लगातार राहुल गांधी के बयान पर पलटवार कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश की छवि को धूमिल करने का काम किया। जितनी योजना मोदी सरकार की है वो सब योजना का लाभ माइनॉरिटीज को भी भारत के नागरिक की तरह हो रहा है। 5 किलो अनाज भी मिल रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड भी मिल रहा है, अकाउंट में पैसा भी जा रहा है और नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के रास्ते पर चलते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि उनको ये मर्यादा नहीं तोड़नी चाहिए। और दिक्कत यह है कि राहुल जी जब भी विदेश जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भारत को बदनाम करते हैं। जो बात बिलावल भुट्टो ने कुछ महीने पहले कई फोरम पर भारत के बारे में कहा कि माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रही है, मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका कार्बन कॉपी बयान राहुल गांधी ने दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों को राहुल गांधी के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो लोकतंत्र में उसको वही राइट है। जितनी योजना कई फोरम पर भारत के बारे में कहा कि माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत है, बहुत परेशानी हो रही है, मुस्लिम प्रताड़ित हो रहे हैं, उसका कार्बन कॉपी बयान राहुल गांधी ने दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के मुसलमानों को राहुल गांधी के किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो सक्षम है, वो लोकतंत्र में उसको वही राइट है। जितनी योजना